अदालत ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया है। इस मामले में अदालत ने 8 लोगों को बरी किया है जबकि बाकी को दोषी माना है। बीमारी की वजह से जगन्नाथ मिश्रा व्हीलचेयर पर अदालत पहुंचे तो लालू प्रसाद को एम्बुलेंस से अदालत ले गए। लालू इसके पहले चारा घोटाला के 3 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। वे रांची के हॉटवार जेल में सजा काट रहे हैं। लालू यादव पर आरोप है कि 96 फर्जी वाउचर के जरिए दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3,76 करोड़ रुपए अवैध रूप से निकाले गए। यह राशि जानवरों के खाने के सामान, दवाओं और कृषि उपकरण के वितरण के नाम पर निकाले गए थे। उस दौरान पैसे के आवंटन की सीमा अधिकतम 1,50,000 ही थी। जब यह निकासी हुई थी लालू उस समय मुख्यमंत्री थे।